भारत में किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। भारत की इकोनॉमी के लिए खेती को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बावजूद इसके यहाँ भूख से मरने वालों की संख्या डराने वाली है। वहीं कई ऐसे अमीर देश हैं जहाँ खेती किसानी नहीं होती, फिर भी भूख से मरने वालों की संख्या न के बराबर है। सबसे पहले बात उन देशों की जहां खेती नहीं होती और वहां खाने का इंतजाम कैसे होता है। इसके अलावा जानेंगे वो देश कौन से हैं जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। छोटे से देश सिंगापुर की आबादी 55 लाख से भी ज्यादा है और ये सिर्फ 700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ऐसे में यहां सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 8 से 8,500 लोग रहने को मजबूर है। यहां घर तो छोड़िए, डॉर्मेट्री का किराया भी लाखों रुपए है। सिंगापुर की सिर्फ 1% जमीन पर खेती होती है, वो भी वर्टिकल स्टाइल में, लेकिन इतना कम अनाज पूरे देश की जरूरत के 10% को भी पूरा नहीं कर पाता। तो फिर सिंगापुर में अनाज की पूर्ति कैसे होती है? दरअसल सिंगापुर सहित मोनाको और ग्रीनलैंड जैसे देश अपने जियोग्राफिकल कारणों की वजह से एग्रीकल्चर नहीं डेवलपमेंटल इकोनॉमिकल ग्रोथ पर निर्भर करते हैं और खाने की चीजें इम्पोर्ट करते हैं। सिंगापुर ज्यादातर फूड मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से इम्पोर्ट करता है। फिर भी यहाँ भुखमरी और गरीबी का नामो निशान नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 1% जमीन पर खेती करने वाले सिंगापुर में 1 लाख में से सिर्फ 0.17 मौतें खाने की कमी के चलते होती हैं। ये लगभग ना के बराबर है। वहीं भारत में जहां 54% से भी ज्यादा का एरिया सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल होता है, वहां लगभग 1 लाख में 18.85 मौतें भूख की वजह से होती हैं। अब बात करते हैं भारत और दूसरे देश में चल रहे किसान आंदोलनों की। भारत में सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी, किसानों के लिए पूरी तरह से लोन में छूट समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। वहीं इटली के किसान एग्रीकल्चर फ्यूल का दाम बढ़ने और EU एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, फ्रांस और स्पेन के किसान भी यूरोपियन यूनियन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल है कि EU एनवायरमेंटल रेगुलेशंस क्या है और इतने देशों के किसान इसके खिलाफ क्यों हैं? दरअसल यूरोपियन यूनियन ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खेती किसानी संबंधी कुछ नियम बनाए हैं, जैसे किसानी में कम से कम एमिशन होने की शर्त, फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल, फार्म्स को नॉन एग्रीकल्चर काम के लिए यूज करने पर जोर। इसके अलावा CAP यानी सामान्य कृषि नीति के रिविजन पर भी वहां के किसानों को शक है। किसानों का कहना है कि इन नियमों के लागू होने से उनकी आमदनी और प्रोडक्शन को बड़ा नुकसान होगा। वहीं रूस यूक्रेन जंग भी कई देशों के किसानों के प्रोटेस्ट की वजह है। यूरोपियन यूनियन ने अब यूक्रेन से आयात पर लगा बैन अस्थायी रूप से हटा दिया है। इससे वहां से आने वाला सस्ता अनाज यूरोपियन कंट्रीज के किसानों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में हंगरी, पोलैंड, रोमानिया जैसे देश के किसान भी विरोध में उतरे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की GDP में खेती का योगदान लगातार घट रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में GDP में कृषि का योगदान घटकर 15% रह गया, जो साल 1990-91 में 35% था। अगर इसी रफ्तार से खेती का योगदान घटता रहा तो एक दिन भारत को भी दूसरे देशों से भारी मात्रा में अनाज इंपोर्ट करना पड़ सकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं होगा।